राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की पहचान है, जो एक बहुल समाज और संस्कृतियों का भंडार है। सोलन में श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का उद्देश्य मानवता को एकजुट करना है और मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सोलन में निर्मित श्री कृष्ण मंदिर न केवल पूजा के लिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी एक उपयुक्त स्थान होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय सभ्यता 5000 वर्षों पुरानी है और विविधता में एकता के सह अस्तित्व की विशिष्ट विशेषता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि धर्म वास्तविकता में एकता का एकीकृत दृश्य प्रदान करता है, क्योंकि भगवान एक है और उनके द्वारा बनाई गई वास्तविकता एकता और अखंडता का प्रतीक है। सोलन में श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य मानवता को एकजुट करना है और मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि हम में से प्रत्येक को अपने समाज और राष्ट्र के विकास के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें धर्म की ओर प्रेरित करता है। मोहन भागवत ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन समर्पण और परिश्रम के साथ करने का उपदेश देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सोलन में निर्मित श्री कृष्ण मंदिर न केवल पूजा के लिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी एक उपयुक्त स्थान होगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर राज्य में मोहन भागवत का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का प्रदेश है। यहाँ विभिन्न जातियों और समुदाय के लोगों ने कई कठिनाइयों के बावजूद एकता और सामंजस्य को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म समाज के हर वर्ग को एकजुट बनाए रखने वाली एक अलौकिक शक्ति है। आज के आधुनिक युग में हमें अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि केवल उन्हीं समाजों ने प्रगति की है जिन्होंने अपनी परंपराओं और संस्कृति को उचित सम्मान दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण वृंदावन ट्रस्ट को प्रदेश में अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। धर्म का निरूपण होता है, उसके आचरण का उदाहरण है। जो अच्छे से जो है वो सभी उस स्थान के असभ्य सभ्य ही है। और इसलिए और तीसरी बात है प्रेम। प्रेम क्या नहीं कर सकता। मुझे वास्तव में समय बहुत किल्लत थी, अभी एक प्रवास बीच में बंद करके इधर आके फिर से उधर जाने वाला, लेकिन अब क्या करें, जो आपस का प्रेम है ना सबका, उसकी बहुत ताकत है। तो हम व्यक्तियों में हमको मिलना चाहिए और मिलने जुलने से आपकी यथा और बढ़ती है, और आत्मीयता के चक्कर में ऐसे उल्टे सीधे काम हम लोगों को करने पड़ते हैं। बाकी जो मेरे बारे में कहा गया है वो आप सब भूल गए, क्योंकि मेरे बारे में जो कहा गया है ना वो हमारे संघ में अनेक लोगों पर लागू पड़ता है, और यहाँ जयपुर श्री पंथम महानुभाव पंथियों में भी अनेक लोगों पर लागू पड़ता है। विशेषकर जहाँ सर्वस्व त्यागी संन्यासी जीवन जीने वाले और ज्ञान प्रदान करने वाले लोग हैं, वहां तो ये सब जो मेरे बारे में कहा गया है उसकी कोई महत्ता नहीं। और इसलिए नम्रता पूर्वक मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि इस बहुत अच्छे प्रसंग में एक मंदिर में इतनी पवित्र आत्माओं के साथ कुछ क्षण बिताने का आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।